हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा एसबीआई पीओ 2019 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज, और ऐसा ही पैसेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आईबीपीएस पीओ मेंस में और फोर्थ कमिंग दूसरे बैंकिंग एग्जाम्स में। तो चलिए देखते हैं इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को। एसबीआई पीओ 2020 और आईबीपीएस एसओ के लिए नया टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है इंग्लिश सेक्शन के लिए, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इस पैसेज को। देखिए, ये एक पैसेज है जो कि एसबीआई पीओ 2019 में पूछा गया था। पैसेज आईबीपीएस पीओ मेंस में जो आएंगे या दूसरे जो बैंकिंग एग्जाम्स हैं मेंस में, उसमें 60-70% आपसे पैसेज पूछे जाएंगे, और 30-40% जो क्वेश्चंस होंगे वो नॉन आरसी क्वेश्चंस होंगे, यानी मिसलिनियस क्वेश्चंस होंगे। तो डेफिनेटली पैसेज का एक बहुत ही बड़ा रोल है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से इस पैसेज को पढ़ते हैं। एसबीआई पीओ मेंस का एक ये पैसेज है। On Wednesday, the government said it would amend the 2016 insolvency law, a signature reform of Prime Minister Narendra Modi first term. देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक insolvency act एक government लेके आई है, insolvency का एक law बनाया है। Insolvency होती क्या है? जैसे आपकी सपोज कोई कंपनी है या आपकी कोई भी फर्म है और उसने दूसरे लोगों से लोन लिया हुआ है, क्रेडिटर से लोन लिया हुआ है, उस कंपनी को खड़ा किया हुआ है, लेकिन अब कंपनी में इतना प्रॉफिट नहीं आ रहा कि वो लोन्स को पे बैक कर सके और उसके पास प्रॉफिट्स नहीं आ रहे हैं, तो कंपनी को बंद करना पड़ता है। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है ब्रोक हो जाना, बिल्कुल ऐसी स्थिति में आ जाना कि आपके ऊपर जो कर्जे हैं, जो लोन्स हैं, उनको आप पे बैक नहीं कर सकते। इसको इंसॉल्वेंट भी बोलते हैं, इसको ब्रोक भी बोलते हैं, इसको कॉमर्स में बैंकरप्ट भी बोलते हैं। बैंकरप्ट हो गए मतलब एकदम से सारे प्रॉफिट्स आपके खत्म हो गए और पे बैक आप लोन को नहीं कर सकते, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एक इंसॉल्वेंसी लॉ बनाया है कि कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म इंसॉल्वेंट होती है, बंद होती है, प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, तो फिर उसका वो अपने लोन्स को किस तरीके से चुकाएगी, ठीक है, बैंक उससे किस तरीके से डील करेगी, तो ये सारे इंसॉल्वेंसी लॉ में है। तो इसके अमेंडमेंट की बात हो रही है इसमें, ठीक है। ऑन वेंसडे द गवर्नमेंट सेड इट वुड अमेंड द 2016 इंसॉल्वेंसी लॉ, मतलब वेंसडे को गवर्नमेंट ने कहा कि ये 2016 इंसॉल्वेंसी लॉ को अमेंड करेगी। अमेंड करेगी मतलब उसमें संशोधन करेगी। संशोधन क्यों करेगी? क्योंकि गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये सही नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है और प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है, तभी तो हम उसको अमेंड करेंगे किसी चीज़ को जब वो सही नहीं होगी। सिग्नेचर रिफॉर्म मतलब ये एक मेन रिफॉर्म था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के फर्स्ट टर्म का, एक सबसे मेन एक ये रिफॉर्म था जिसका हमारी इकोनॉमी पर काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ सकता है। इन्वेस्टर विल चीयर मतलब इन्वेस्टर इसकी वजह से खुश होंगे, क्योंकि उसमें जब चेंजेस कर रहे हैं तो इन्वेस्टर डेफिनेटली खुश होंगे क्योंकि ये रिलेटेड है इन्वेस्टर से। अब देखिए, लेजिस्लेशन वॉज गेटिंग मायर्ड इन फ्रस्ट्रेटिंग लीगल डिलेज एंड बिजार जजमेंट्स। देखिए, ये सारी चीज़ें आपको रीडिंग से आ सकती है। जैसे यहाँ पर एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन यूज हो रहा है, गेटिंग माइल्ड। गेटिंग माइल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ में फंस जाना या उलझ जाना या इंटेंगल हो जाना या बॉग डाउन हो जाना। ये सारे वर्ड मीनिंग्स देखिए, जब आप रीडिंग करते हैं तो आप एक्टिव वोकेबलरी सीखते हैं, आप वर्ड को कॉन्टेक्स्ट में यूज करना सीखते हैं, आप अलग अलग तरह के इडियम सीखते हैं, आप अलग अलग तरह के फ्रेजेस सीखते हैं। इसलिए सभी फैकल्टी मेंबर्स, जितने भी लोग यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, वो ये बोलते हैं कि रीडिंग बहुत ज़रूरी है। मैं भी ये मानता हूँ कि रीडिंग बहुत ज़रूरी है बैंकिंग के किसी भी एग्ज़ाम में निकलने के लिए। द लेजिस्लेशन वॉज गेटिंग मायर्ड इन फ्रस्ट्रेटिंग लीगल डिलेज एंड बिजार जजमेंट्स। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि चूंकि इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ये लेजिस्लेशन जो है ये उलझा हुआ है, इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है, इसलिए इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। Threatening to scare off global investors from a 200 billion plus bad debt cleanup. देखिए, bad debt cleanup क्या होता है? सपोज आपने बैंक से लोन लिया है, या कई सारे लोगों ने बैंक से लोन लिया है, कंपनीज ने बैंक से लोन लिया है, और बैंक आप और आप उस लोन को वापस नहीं कर रहे हैं, बैंक के जो असेट्स हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। बैड डेट का मतलब होता है ऐसा लोन जिसके आने की संभावना कम होती जा रही है, जिसके वापस आने की संभावना कम होती जा रही है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर इसमें अगर सुधार नहीं किया तो इससे क्या हो सकता है, स्केयर ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर फ्रॉम ए 200 बिलियन प्लस बैड डेट क्लीनअप। गवर्नमेंट जो बैड डेट को क्लीनअप कर रही है, गवर्नमेंट उसको हटा रही है, मतलब उसको सॉल्यूशन निकाल रही है कि जो जो लोन फंसे हुए हैं,
ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी या इंसॉल्वेंसी एक्ट में इम्प्रूवमेंट नहीं करेगी, तो स्केयर ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो हैं वो भाग जाएंगे। स्केयर ऑफ मतलब डर के भाग जाना, वो वहां से भाग जाएंगे। ठीक है, द लास्ट स्ट्रॉ वॉज द रिसेंट ऑर्डर बाय द इंसॉल्वेंसी ट्राइब्यूनल जजेस इन द 6 बिलियन सेल ऑफ एसआर स्टील इंडिया लिमिटेड टू आर्सेलर मित्तल। देखिए यहां पर ये एक डील हुआ है और इंसॉल्वेंसी ट्राइब्यूनल एक है, तो यहाँ पर जो जो ऑथर है वो ये कह रहा है कि इसमें कुछ गलत हुआ है, मतलब ये जो जजमेंट दिया है इस पर्टिकुलर केस में, एसआर स्टील इंडिया और आर्सेलर मित्तल का ये केस है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। द लास्ट स्ट्रॉ मतलब लास्ट जो मतलब ये इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता था, लेकिन यहाँ पर भी गवर्नमेंट ने कुछ गलती कर दी, मतलब ट्राइब्यूनल ने कुछ गलत डिसीजन दे दिया। द लास्ट स्ट्रॉ वॉज द रिसेंट ऑर्डर बाय द इंसॉल्वेंसी ट्राइब्यूनल। देखिए इंसॉल्वेंसी एक ट्राइब्यूनल बनाया है और उसके जजेज हैं, तो उसमें कुछ गलती हुई है, तो इसका मैं अभी आपको और डिटेल में बताता हूं। द जजेज रूल्ड दैट सिक्योर्ड क्रेडिटर्स वुड हैव नो सीनियरिटी ओवर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एंड सप्लायर्स। देखिए सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कौन होते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स मतलब जिन्होंने जिन्होंने कुछ जिन्होंने पैसा उधार दिया है, पैसा उधार दिया है और उसके एवज में कुछ गिरवी रखा हुआ है, मतलब वो सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं, यदि उनके पास पैसा वापस नहीं आता है। देखिए क्रेडिटर कौन होते हैं, क्रेडिटर आपको जो लोन देते हैं, डेबिटर मतलब जो लोन लेते हैं, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब जिनको जिनका पैसा रिस्क पर नहीं है, क्योंकि उनके पास गिरवी कुछ रखा हुआ है, आपके मकान के पेपर्स या इस तरह के कुछ गिरवी रखा हुआ है, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर वो होते हैं। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब जिन्होंने पैसा दे दिया लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है, उसको पे बैक यदि कोई नहीं करता है तो उसको वापस लेने के लिए कुछ भी नहीं है। द जजेज रूल्ड दैट सिक्योर्ड क्रेडिटर वुड हैव नो सीनियरिटी ओवर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एंड सप्लायर्स, मतलब इंसॉल्वेंसी ट्राइब्यूनल के जो जजेज हैं उन्होंने ये बोला है कि पहले तो क्या होता था कि सिक्योर्ड क्रेडिटर जो थे उनकी एक सीनियरिटी एक सीनियरिटी थी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के ऊपर, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, यानी कुछ गलत किया है इन्होंने। तो ऑथर यहाँ पर ट्राइब्यूनल जजेज की बात से डिसएग्री कर रहा है। ठीक है, एज आई हैव नोटेड, एज आई हैव नोटेड कौन बोल रहा है, ये ऑथर बोल रहा है, और ऑथर को ट्राइब्यूनल जजेस का जो जजमेंट है उससे प्रॉब्लम है। द ऑर्डर वुड हैव रिड्यूस्ड एंड एश्योर्ड 92% रिकवरी रेट फॉर फाइनेंशियल लेंडर टू जस्ट 61%। वुड हैव का मतलब क्या है कि ऐसा हो गया होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ट्राइब्यूनल जजेस ने जो ऑर्डर दिया है उसको गवर्नमेंट ने नहीं माना है। तो ऑथर यहां पर बोल रहा है कि द ऑर्डर वुड हैव रिड्यूस्ड एंड एश्योर्ड 92% रिकवरी रेट फॉर फाइनेंशियल लेंडर्स टू जस्ट 61%, मतलब बैंक की जो रिकवरी रेट है, यदि इस ऑर्डर को हम मान लेते तो बैंक की जो रिकवरी रेट है वो 92% से 61% आ गई होती, कम हो जाती रिकवरी रेट, यानी गलत हो जाता, लेकिन इसको माना नहीं तो इसलिए ये सही हुआ है, ऑथर ऐसा बोल रहा है। व्हाइल इट हैज ऑलरेडी बीन अपील्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर लेंडर्स, लेंडर्स मतलब जो उधार देते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहां पर क्या है, लेंडर है, लेंडर इन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपील किया सुप्रीम कोर्ट में कि ट्राइब्यूनल जजेस ने ये जो अपना ओपिनियन दिया है ये गलत है। ठीक है, इट इज हेल्पफुल दैट द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गेट ऑफ द साइड लाइन्स, गवर्नमेंट इससे अलग हट गई है, गवर्नमेंट ने इसको मतलब मानने से इनकार कर दिया है। इफ द टॉप कोर्ट हैड अपहेल्ड द ट्राइब्यूनल वर्डिक्ट, देखिए यहां पर अब दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट यदि इनकी बात को मान लेता तो, इफ द टॉप कोर्ट हैड अपहेल्ड द ट्राइब्यूनल वर्डिक्ट, ट्राइब्यूनल वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब होता है जो डिसीजन देना, यदि टॉप कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड मतलब इसको मान लिया होता, इसको मेंटेन कर लिया होता ट्राइब्यूनल वर्डिक्ट को, ऑन द ग्राउंड दैट द लॉ वॉजेंट क्लियर अबाउट हाउ सेल प्रोसीड्स वुड बी डिवाइडेड, ये डेफिनेटली काफ़ी अच्छा पैसेज है और काफ़ी टफ ये पैसेज है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। देखिए सेल प्रोसीड क्या होते हैं, जैसे कोई भी चीज़ को आपने बेचा, जैसे जो क्रेडिटर होते हैं आपको लोन देते हैं, तो अगर आप उनका लोन नहीं चुका पाते हैं तो फिर क्या करता है क्रेडिटर, क्या करता है क्रेडिटर के पास जो गिरवी रखा हुआ है उसको बेच के जो सेल प्रोसीड आती है उससे अपना पैसा वसूल करता है। तो प्रोसीड्स का मतलब होता है बेचने के बाद आपको जो प्रॉफिट मिलता है किसी चीज को। ऑन द ग्राउंड दैट द लॉ वाजंट क्लियर अबाउट हाउ सेल प्रोसीड्स वुड बी डिवाइडेड, बैंक्स वुड हैड टू किस गुड बाय टू सब्सटेंशियल रिकवरी, मतलब यदि ट्राइब्यूनल ने ये ट्राइब्यूनल के जो जजेज हैं उन्होंने ये रूल्स
यदि उन्होंने ये डिसीजन दिया होता और सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान लिया होता तो बैंक के लिए ये काफ़ी काफ़ी अनप्रॉफिटेबल चीज़ होती। देखिए सब्सटेंशियल रिकवरी को बैंक को गुड बाय बोलना पड़ता, किस गुड बाय मतलब उस चीज़ को छोड़ना पड़ता। सब्सटेंशियल रिकवरी मतलब बैंक की जो 91% रिकवरी आ रही है वो 60% तक रह जाती यदि इसको हम मान लेते तो, ठीक है। स्टेप अप बैड लोन प्रोविजंस मतलब गवर्नमेंट बैंक्स ऐसा नहीं कर पाती यदि इस डिसीजन को हम मान लेते तो। पुश मोर सेल्वेजेबल डेटर्स इनटू लिक्विडेशन, देखिए सेल्वेज का मतलब होता है बचाना, ठीक है। लिक्विडेशन का मतलब उसका उसका जितने भी असेट्स हैं उसको बेच के अपना पैसा वसूल कर लेना। तो यदि इस रूल्स रेगुलेशन को हम मान लेते, सुप्रीम कोर्ट इसको मान लेता, तो ऐसे डेटर जिनको बचाया जा सकता था, जिनकी कंपनी को बंद होने से बचाया जा सकता था, वो नहीं बचाया जा सकता था, ठीक है। यानी इसको गवर्नमेंट ने इस ट्राइब्यूनल जजेस ने जो जो ऑर्डर्स दिए उसको मानने से इनकार कर दिया। यानी ये बैंक्स के लिए सही नहीं होता यदि इसको मान लेते तो। द ट्वीक इट प्रपोजेज, ट्वीक का मतलब होता है एडजस्टमेंट, मतलब इंसॉल्वेंसी लॉ जो है उसमें अमेंडमेंट जो कर रहे हैं उसमें क्या प्रपोज किया जा रहा है। टू फिल क्रिटिकल गैप्स इन द कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, जो कॉरपोरेट कंपनीज हैं जो बंद हो जाती हैं, अगर बंद हो गई तो जो पैसा है सप्लायर्स का और क्रेडिटर का वो किस तरीके से बटेगा, किस तरीके से सॉल्यूशन होगा उसका, तो वहाँ पर जो क्रिटिकल गैप्स हैं उनको भरा जाएगा इस अमेंडमेंट के थ्रू। विल एक्सप्लिसिटली हैंड पावर ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड्स टू क्रेडिटर्स कमेटी, क्रेडिटर्स की एक कमेटी इसमें बनाई जाएगी और क्रेडिटर्स की जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि जो पैसा आया है जो गिरवी रखा होगा उस सामान को बेच के वो कैसे डिवाइड होगा, वो लॉजिकली उस चीज को डिवाइड करेंगे, ठीक है। दैट शुड रिटर्न सम कॉमन सेंस टू ए प्रोसेस दैट वुड हैव रिक्वायर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर टू शेयर द मनी फ्रॉम एनी न्यू बायर ऑफ ए बैंकक्रप्ट बिजनेस इक्वली विद मिसलिनियस सप्लायर्स एंड अदर अनसिक्योर्ड लेंडर्स। देखिए जिन लोगों ने जो अनसिक्योर्ड लेंडर्स हैं उनको उसका पैसा वापस मिलना चाहिए, या मिसलिनियस सप्लायर्स हैं उनको उनका पैसा इक्वली डिवाइड होना चाहिए, मिलना चाहिए यदि कोई कंपनी बंद होती है तो। मतलब एक लॉजिकल अप्रोच होनी चाहिए यदि कोई कंपनी बंद होती है तो, और वही इसमें सुझाया जा रहा है, लेकिन ऑथर को इनके ट्राइब्यूनल के जो जो डिसीजंस आए हैं उससे प्रॉब्लम है। एज फॉर अर्जेंसी डिले टैक्टिक्स बाय लार्ज बिजनेस फैमिलीज लोथ टू लूज देयर प्राइज्ड असेट्स हैव पुश्ड बैड डेट रेजोल्यूशन सच एज एसआर टू मोर देन 600 डे। मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं कि वो कोशिश करती हैं कि उनकी कंपनी बंद ना हो, उनकी असेट जो है वो बिके नहीं, ये कोशिश करती हैं, उसको खींचती हैं वो, ठीक है। द इंटेंट वॉज टू रैप अप केसेज इन 270 डेज, 270 दिन के अंदर इसका सॉल्यूशन निकल जाना चाहिए यदि कोई कंपनी बंद होती है तो, इसमें बात हो रही है। नाउ द मोदी गवर्नमेंट वॉन्ट द क्लॉक टू कीप टिकिंग ई बिल ड्यूरिंग अपील्स। देखिए जिस समय अपील कोई कर रहा है उस समय भी केस चलता रहेगा और उस समय भी ये 270 दिन जो हैं वो इसमें काउंट होंगे, अपील के दिन जिस समय अपील का टाइम चल रहा है उस समय भी वो डेज भी इसमें काउंट होंगे, ठीक है। कीप द क्लॉक टिकिंग का ये मतलब है केसेस हैव टू बी एडमिटेड स्पीडीली एंड कंक्लूडेड इन 330 डेज फ्लैट, मतलब केसेस का जो डिसीजन आना है फाइनल वो 330 दिन में आ जाना ही चाहिए। तो ये मैंने आपको हालांकि काफ़ी डिटेल में तो नहीं बताया है, लेकिन एक रफ आइडिया दिया है कि पैसेज को इस तरीके से पढ़ना है और इस तरीके से कंक्लूजन निकालना है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस को कैसे करना है, एज पर द पैसेज व्हाट वुड हैव बीन द इफेक्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ द ट्राइब्यूनल जजेस ओवर द बैंक्स। यदि ट्राइब्यूनल जजेस के डिसीजंस को सुप्रीम कोर्ट मान लेता तो उसका इफेक्ट क्या होता, ये मैंने आपको बताया है, बहुत ही डिटेल में बताया है। द यूजेबल असेट्स एंड रिसोर्सेज की तो कोई बात नहीं हुई है तो ये तो नहीं होगा। The recoveries of the bank loan provided by the banks would be far-fetched idea lending to the liquidation of debtor. ये है इसका सही आंसर। यदि ट्राइब्यूनल जजेस की बात को हम मान लेते, कोर्ट मान लेता तो क्या होता, बैंक के लिए रिकवरी करना लोन्स की बहुत बहुत परेशानी वाला काम होता, far-fetched होता, एक इमेजिनरी सिचुएशन होती, ठीक है। द रिकवरी ऑफ द लोन प्रोवाइडेड बाई द बैंक वुड बी far-fetched idea leading to the liquidation of debtors. जब आप लोन्स की रिकवरी नहीं कर पाएंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसका जो 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 डेटर्स है उसका सामान बेच के अपना पैसा वसूल करना पड़ेगा, और ऐसे करने से क्या होगा, नुकसान ही होगा, उसकी कंपनी बंद हो जाएगी, एम्प्लॉयज़ का लॉस चला जाएगा, एम्प्लॉयज़ के जॉब्स चले जाएंगे। तो ये है इसमें सही आंसर। अब देखिए सी देखिए, द बैंक वुड नीड टू सीक द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट
बिफोर लैंडिंग द लोन टू द कॉरपोरेट, ये तो इसमें कोई बात ही नहीं हुई कि लोन देने से पहले गवर्नमेंट को परमिशन देनी पड़ेगी गवर्नमेंट से, बैंक्स को कोई परमिशन थोड़ी लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से, तो ये तो इसमें बिल्कुल गलत है। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है बोथ बी एंड सी, ये प्रेशर बनाने के लिए देते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। यदि आपको पूरा पैसेज अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया है तो फिर यहाँ पर आप इस पॉइंट पर कन्फ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है क्योंकि इसमें इसका कोई मेंशन ही नहीं है। इसका आंसर होगा केबल और केबल बी, बी इसमें मेंशन है इस पैसेज में, तो क्वेश्चन नंबर वन का आंसर होगा बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द पैसेज हाउ वॉज द मनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द क्रेडिटर आफ्टर द इंसॉल्वेंसी ऑफ द कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन की जो असेट्स है उसको बेचने के बाद क्रेडिटर्स का जो पैसा है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये तो क्लियरली मेंशन है। ये देखते हैं कहां पर, अननेसेसरी इंटरवेंशन ऑफ द बैंक, नहीं ये नहीं है। द मनी वुड बी डिप्लॉयड टू द हाइएस्ट, नहीं ये भी नहीं है। द मनी वुड बी शेयर्ड इक्वली अमॉन्ग द सन्ड्री सप्लायर्स एंड अनसिक्योर्ड लेंडर्स, क्रेडिटर की संपत्ति, क्रेडिटर का जो गिरवी रखा हुआ है क्रेडिटर के पास, उसकी उसकी जब संपत्ति बिकेगी, जब वो लोन का पैसा वसूल होगा, तो वो इक्वली डिवाइड होगा सन्ड्री सप्लायर्स में, जो सप्लायर्स का जो पैसा है और अनसिक्योर्ड लेंडर्स का जो पैसा है वो उसमें इक्वली डिवाइड होगा, तो इसमें आंसर होगा केबल और केबल सी, बोथ ए एंड बी नहीं होगा इसमें, ठीक है, इसमें आंसर होगा आपका सी, ठीक है। ये तो मेंशन है, पैसेज में मेंशन है कि जो क्रेडिटर्स का पैसा है वो इक्वली डिवाइड होगा। चलिए आगे हम देखते हैं, एज पर द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डिपिक्ट द मीनिंग ऑफ द फ्रेज गेटिंग माइल्ड इन एज यूज्ड इन द पैसेज, गेटिंग माइल्ड का क्या मतलब है, ठीक है। गेटिंग माइल्ड का मतलब होता है फंस जाना, उलझ जाना प्रॉब्लम्स में लंबे समय के लिए। द लेजिस्लेशन वॉज गेटिंग बॉक डाउन, सही है। इन फ्रस्ट्रेटिंग लीगल डिलेज एंड बिजार जजमेंट, डेफिनेटली इसकी बात हुई है, डेफिनेटली ये बिल्कुल सही है, इसकी बात हुई है पैसेज में। द लेजिस्लेशन वॉज गेटिंग टेंगल्ड, टेंगल्ड भी हम बोलते हैं, यानी टेंगल्ड और बॉक डाउन का मतलब एक ही होता है, टेंगल्ड और बॉक डाउन का मतलब एक ही होता है, माइल्ड भी इसको हम बोलते हैं, तो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों सही हैं इसमें, और इसमें आपका आंसर होगा सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, ये इसमें आपका आंसर होगा। द लेजिस्लेशन वॉज गेटिंग एडजस्टेड इन द फ्रस्ट्रेटिंग लीगल डिले एंड बिजार, नहीं ये नहीं है, गेटिंग एडजस्टेड वर्ड नहीं होगा यहाँ पर, बॉक डाउन और टेंगल्ड वर्ड सही है। यहां पर हम देखते हैं व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन पैसेज, पैसेज से क्या इन्फर किया जा सकता है। द गवर्नमेंट प्रपोज्ड चेंजेस टू द 2016 इंसॉल्वेंसी लॉ आर बोल्ड, प्रैक्टिकल एंड बैडली नीडेड, और सर यही मानता है कि उसमें जो अमेंडमेंट होने हैं 2016 इंसॉल्वेंसी एक्ट में वो बोल्ड है, प्रैक्टिकल एंड बैडली नीडेड, उसकी जरूरत है बैंकिंग सेक्टर को, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडिया स्टिल, नहीं इसकी तो कोई बात ही नहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। द यूनियन कैबिनेट अप्रूवल ऑफ अमेंडमेंट टू द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड टू एनहेंस इट्स एफिकेसी कुड ब्रिंग रिलीफ टू बैंक्स, डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पर रिकवरी की बात हुई है कि यदि इसको हम चेंज करते हैं, इसमें कुछ अमेंडमेंट लाते हैं, तो बैंक की रिकवरी काफ़ी बढ़ जाएगी और जो जो बैड डेट लोन्स हैं वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे, कंपनी कम बंद होंगी, जॉब्स का लॉस नहीं होगा, डेफिनेटली बैंक्स को रिलीफ मिलेगा, इसी इसमें इंप्रूवमेंट होता है, तो ए और सी डेफिनेटली यहाँ पर आंसर है आपका, बोथ ए एंड सी विल बी द आंसर, तो डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। तो ये था SBI PO 2019 का पैसेज, और सेम इस तरीके के पैसेज आपसे पूछे जाएंगे IBPS PO मेंस में, IBPS SO में और दूसरे सभी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स में। तो कैसा लगा आपको ये पैसेज, यदि आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, कमेंट आप जरूर करके बताएं ताकि मुझे आपकी ओपिनियन पता पड़े और पता लगे, और शेयर आप जरूर करें मेरे वीडियो क्लासेस को ताकि दूसरे स्टूडेंट्स का भी फायदा हो। SBI PO 2020 के लिए टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है इंग्लिश सेक्शन के लिए, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और englishiq.in इस पर जाके मेरे फ्री ब्लॉग्स भी आप जरूर पढ़ें, इसमें इस पर मैं एक वोकैबुलरी की सीरीज भी चला रहा हूं, तो उससे भी डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो क्लास में, थैंक यू।